नमस्कार दोस्तों, फिर से हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर डिप्लोमा पॉलिटेक्निकल जितने भी हरियाणा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल है सभी की यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग हुई थी, और आपकी सिर्फ दो ही काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन की गई थी टेक्निकल डिपार्टमेंट की तरफ से, एक फर्स्ट काउंसलिंग और एक सेकेंड काउंसलिंग। दोनों पर मैंने वीडियो बनाई थी कि कैसे आपकी काउंसलिंग होंगी लेटर एंट्री बेस पर। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आपका नंबर नहीं पड़ा तो कॉलेज वाइज जितने भी हरियाणा में डिप्लोमा कॉलेज हैं जो कि गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी थर्ड काउंसलिंग हुई है कॉलेज लेवल बेस पर। अगर जिस भी स्टूडेंट का उसमें नंबर नहीं पड़ा है फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में जो कि ऑनलाइन हुई थी, तो उनको सभी जितने भी हरियाणा में पॉलिटेक्निकल हैं उनकी वेबसाइट पर एक फॉर्म दिया गया था। अगर आपने वो फॉर्म फिलअप किया था तो अब आपका मेरिट लिस्ट बना है। वो आप कैसे देख सकते हैं कि आपको वो ट्रेड मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी जो आपने चॉइस में फिलअप की थी। मैं आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक नीलू खेड़ी की जो पॉलिटेक्निकल है गुरु ब्रह्मा जी, इसके बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पर एक फॉर्म आया था 28 तारीख को, तो मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। इस तरह का फॉर्म था, यहाँ पर लिखा हुआ एडमिशन नोटिस इंस्टीट्यूट लेवल ऑनलाइन काउंसलिंग 2021, यानी ये जो कॉलेज है उसके लेवल वाइज यहाँ पर काउंसलिंग हुई थी आपकी थर्ड। क्योंकि दोस्तों काफ़ी वैकेंसी बच जाती हैं, जो भी बंदे नहीं आते तो जो कॉलेज होते हैं फिर अपनी तरफ से वो वैकेंसी निकालते हैं, सॉरी आपकी तरफ अपनी तरफ से वो सीट निकालते हैं कि वो सीट भी फिलअप हो जाए। तो यहाँ पर ये आया था और यहाँ पर ये कुछ नोटिस आप पढ़ सकते हैं कि ऑनलाइन आपको कैसे सबमिट कराना था। और यहाँ पर आपको नीचे एक फॉर्म दिया गया था GBN यानी गुरु ब्रह्मन जी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नीलोखेड़ी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये फॉर्म दिया गया था जो कि इसकी लास्ट डेट थी 28/9/2021 की लास्ट डेट थी जैसे आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी दी गई थी कि आपको ये फॉर्म फिलअप करके, ठीक है, जैसे कि मान लिया आपको अपने यहाँ पर फोटो लगाना था और जो आपका आप करना चाहते हो 10th बेस पे करना चाहते हो या फिर +2 बेस पे करना चाहते हो, वो आपको यहाँ पर टिक मार्क करना था। उसके बाद आपका नाम, फादर, मदर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेल फीमेल, कैटेगरी आपको आपकी कौन सी है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी आपको लगाना था इस फॉर्म के ऊपर। आपको सिर्फ क्या करना था, ये सब डिटेल एंटर करके जो भी इसमें मांगा गया आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर, यानी ये जो आपको PDF मिले ये आपको किसी भी फोटो कंप्यूटर शॉप पर जाकर ये आपको प्रिंट आउट निकलवा कर आपको इसे फिलअप करना था अपने पेन के साथ और नीचे सिग्नेचर करके अपना और जो आपकी चॉइस है इनमें से जो इसमें दी गई है, जैसे कंप्यूटर इंजीनियर, कम्युनिकेशन इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, वो आपको चॉइस यहाँ फिलअप करनी थी और सिग्नेचर करके और डॉक्यूमेंट लगाकर, जैसे कि आपका +2 बेस पर आप लेना चाहते हो 10th बेस पर जो आपने टिक मार्क किया है, जो आपने यहाँ पर डाटा फिलअप किया है, वो सभी यहाँ पर आपको इसके साथ PDF बनाकर अपने मोबाइल से आपको इस ईमेल आईडी पर आपको सेंड करना था। वो दोस्तों आपने अगर वो किया होगा तो आज उसका रिजल्ट आ चुका है। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर न्यूज़ एंड इवेंट में आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि डिप्लोमा इंजीनियर लेटर एंट्री मेरिट रैंक लिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा फर्स्ट इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग। अभी यहाँ पर फर्स्ट है, अगर सेकंड भी होगी तो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक PDF फाइल ओपन हो जाएगी। अगर आपने ये फॉर्म फिलअप किया था और अगर आपने PDF फाइल सेंड की थी तो यहाँ पर आपका नाम भी आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका सबसे पहले नाम आएगा, आपके फादर का नाम आएगा, आप जेंडर में मेल हो फीमेल हो आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपकी +2 में परसेंटेज कितनी थी वो भी यहाँ पर आएगा। उसके बाद आपको रैंक क्या दिया गया है आपके नंबर देकर, परसेंटेज जो भी आपकी +2 में थी PCM में, जैसे कि यहाँ पर मैंने अपने ब्रदर का एक फॉर्म फिलअप किया था, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे ब्रदर का जो नाम था वो जयसिंह था, 85% उसके +2 में थी और उसको जो रैंक मिला है वो यहाँ पर उसको मिला है L26, यानी लेटर एंट्री बेस पर 26 को रैंक मिला है। अब हमने यहाँ पर जो भी ट्रेड फिलअप की थी वो की थी मैकेनिकल, सबसे फर्स्ट में इलेक्ट्रिकल उसके बाद मैकेनिकल। अभी यहाँ पर आपको यानी कि आपको रैंक लिस्ट मिला है और जैसे नेक्स्ट डे आता है तो यहाँ पर आपको सीट कौन सी दी गई है दोनों में से या फिर जो भी आपने चॉइस फिलअप किया वो यहाँ पर आपको न्यूज़ एंड इवेंट में शो हो जाएगा। तो दोस्तों ये था छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से देना चाहता था। और दोस्तों इसी तरह के कॉलेज से जुड़ी वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।